16 जून के देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उससे पहले चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल लगभग शुरू हो चुका है और साल का दूसरा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय इस समय गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि कच्छ सौराष्ट्र कच्छ के इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी समुद्री इलाकों पर शुरू हो चुकी है और अगले कुछ यानी कि कह सकता हूँ एक घंटे के अंदर अंदर ये सिस्टम पूरी तरह से गुजरात को अपनी आगोश में ले लेगा। पश्चिमी गुजरात के हिस्सों पर काफ़ी तबाही मचाएगा इस तूफान और आप देख सकते हैं लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है यानी कि पाकिस्तान की तरफ यह बढ़ेगा और इस प्रकार से राजस्थान की ओर पहुंचेगा कल और आज रात्रि में गुजरात के तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बात इसके ट्रैक की करूँ तो ये सिस्टम लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में इस प्रकार से बढ़ेगा और अब ये कमज़ोर होगा। हालांकि इस समय की अगर इंटेंसिटी की बात करो ये कितना प्रोग्रेस कर रहा है अभी किस इंटेंसिटी में है तो लगभग इसके एक घंटे पहले यानी कि ये ठीक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी हवाओं को धकेल रहा था लेकिन अब जब ये तटवर्ती क्षेत्रों के पास पहुँच गया है तो इसकी हवाओं की रफ्तार आधी हो गई है यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ था अब ये साइक्लोन बन चुका है और अब ये लगभग हम कह सकते हैं कि 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चल रही है और साथ साथ आप देख सकते हैं कि भौरे की तरह ये घूम रहा है। आप देखिए ये यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रकार से इसमें मुड़ाव देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ यही है कि ये काफ़ी भीषण चक्रवाती तूफान है और सेटेलाइट में जो इमेज दर्ज की गई है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो काफ़ी भीषण चक्रवात के तौर पर इसे हम मान सकते हैं। चलिए तो इसी बीच संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा 16 जून को मौसम आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में एक तरफ जहां किसान साथी मानसून का लगभग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सिस्टम लगातार भारत के ऊपर डेवलप्ड हो रहे हैं और भारी वर्षा दे रहे हैं। इसी बीच साल का दूसरा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय काफ़ी भीषण तबाही मचा रहा है और आज 15 जून है और आज इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं वीडियो 15 जून को बना रहा हूँ 16 जून के मौसम पूर्वानुमान के ऊपर तो आज यानी कि 15 जून को ये सिस्टम पूरी तरह से सशक्त होकर गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल कर जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर तो ये जो पूरा डायरेक्शन होगा पाकिस्तान का पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा पूर्वी हिस्सा और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा देखने को मिलेगी। कराची तक प्रभाव देखने को मिलेगा पाकिस्तान की। मैं अब बात करता हूँ मौसम पूर्वानुमान की तो आप देख सकते हैं भारत के कई राज्यों पर मानसून सक्रिय हो चुका है। पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में जहाँ मानसून आ गया है तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो बारिश का सिलसिला है भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति की अगर बात करें मानसून कहां तक पहुंचा है तो मानसून की अक्षीय रेखा फिलहाल दक्षिणी महाराष्ट्र के हिस्सों से लेकर इस प्रकार से बनी हुई है। इस प्रकार से मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है। बिहार के भी कुछ इलाकों को मानसून ने कवर किया है। उसके बाद लगभग आज दूसरा दिन है जब मानसून ने कोई प्रगति नहीं की और तटवर्ती क्षेत्रों पर मानसून ने जिस प्रकार से प्रोग्रेस किया था इस प्रकार से तमाम जो पोलर रीजन है यानी कि दक्षिण भारत के तमाम राज्य हैं उन राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है। हालाँकि अब गोवा के इलाकों पर मानसून की प्रगति हो रही है साथ साथ महाराष्ट्र के भी बाकी हिस्सों तक अब मानसून धीरे धीरे पहुँच जाएगा। लेकिन आज और कल लगभग दो दिन हो गए हैं मानसून ने कोई प्रगति नहीं की है और जल्द अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के कुछ आगमन और कुछ आगे बढ़ने का जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिल सकता है। इसी बीच अब देख लेते हैं भारत के राज्यों पर कैसा रहता है 16 जून को मौसम। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है तो बारिश की गतिविधियां पंजाब हरियाणा दिल्ली इन इलाकों पर तो देखने को मिलेगी। साथ साथ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इन तमाम इलाकों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब के इलाकों पर कल काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना रहेगी पर्वतीय क्षेत्रों से लगे हुए इलाकों पर और साथ साथ हरियाणा के भी पंचकूला से लेकर रोहतक और आसपास के इलाकों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर भी कल मध्यम से हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर और जोधपुर और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि बीकानेर में कल बारिश की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी लेकिन बारिश का सिलसिला अब जैसलमेर के और जोधपुर और आप देख सकते हो उदयपुर इन इलाकों पर बढ़ेगा। ये जो पश्चिमी क्षेत्र होंगे इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे भारी वर्षा के स्थानों पर हो सकती है और आज भी बादलों का मूवमेंट पूरी तरह से बना हुआ है राजस्थान के ऊपर। अभी जब सिस्टम लैंडफॉल कर रहा है उस समय भी बादल काफ़ी तगड़े बन रहे हैं। साथ साथ बारिश की संभावना अलवर जयपुर और आसपास के इलाकों पर भी रहेगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा और आसपास के इलाकों पर कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा बारिश की संभावना नहीं है। बिहार झारखंड के ऊपर आप देख सकते हैं बारिश की प्रोबेबिलिटी हल्की वल्की हो सकती है। जो तराई वाले क्षेत्र हैं उन इलाकों पर बारिश हो सकती है। नेपाल से लगे हुए इलाकों पर इधर पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए इलाकों पर बारिश हो सकती है।
झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा, दक्षिणी हिस्सों पर कुछ वर्षा हो सकती है और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी होगी और भीषण गर्मी का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होगी और आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। मध्य भारत के मौसम की बात करें, गुजरात का शहर जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा दर्ज की गई और अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान पूरे गुजरात पर भारी बारिश के दिख रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी और राजकोट और भुज कच्छ में काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावना बन रही है। भुज का शहर कल भारी से बहुत भारी वर्षा का सामना करेगा, साथ साथ तूफानी हवाओं का सामना करेगा। आज की रात गुजरात पर भारी दिखती हुई नज़र आ रही है। और बारिश की बात मध्य प्रदेश के इलाकों की करें तो लगभग तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, ऐसा नहीं है। बादलों का मूवमेंट, जब ये सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो बादलों का मूवमेंट अरेबियन सी से इस प्रकार से आ रहा है। लगभग इस प्रकार से जब हवाएं पहुंचेगी मध्य प्रदेश के ऊपर, नमी भरी हवाएं, तो रात्रि में कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं, खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों पर बादलों के डेवलपमेंट होने की संभावनाएं बन रही है। और कहीं ना कहीं जो बारिश का स्पेल है वो इन इलाकों पर देखने को मिला है, जिसमें उज्जैन से लेकर खरगोन, खंडवा और नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन इलाकों पर। हालांकि ज़्यादा आज भी बारिश की प्रवृत्ति कल नहीं रहेगी, 16 जून को भी बारिश की प्रवृत्ति कम रहेगी, हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, बाकी तो 17 जून से बारिश की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर ड्राई रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम की संभावना है, छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा दक्षिणी हिस्सों पर हो सकती है, बाकी शुष्क मौसम रहेगा। उड़ीसा के भी तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और एक दो स्पेल ऐसे हो सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जब पहुँचेगा तो तेज़ बारिश भी हो सकती है। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के इलाकों की, तो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर और पूर्वी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होने की संभावना है, दक्षिणी हिस्सों एवं मध्य हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं तेलंगाना की और महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के इलाकों पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो रहेगा, जिसमें नासिक और मुंबई, महाराष्ट्र, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी कल देखने को मिलेगी। तटवर्ती क्षेत्रों पर ऊँची ऊँची लहरें उठेगी और कुछ स्थान पर भारी वर्षा भी हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि बारिश की प्रोबेबिलिटी गोवा के भी इलाकों पर देखने को मिलेगी, ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर उठ सकती है। सिस्टम तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो ऊंची ऊंची लहरों का उठना और जो सिलसिला समुद्र में भी हलचल बढ़ी हुई है, तो ऐसे में अभी सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर भी रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं तमाम महाराष्ट्र के इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, गोवा में शुष्क मौसम की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। तेलंगाना के तमाम इलाकों में गर्म मौसम, शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। और दक्षिण में आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक में हालांकि अभी बारिश की कुछ प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। जो घाट वाले इलाके हैं उन इलाकों पर मध्यम से हल्की वर्षा हो सकती है, एक दो स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी तमिलनाडु के तमाम इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, शुष्क मौसम भी कई कई स्थानों पर देखने को मिलेगा। और कर्नाटक के भी मध्य भाग और पूर्वी भागों पर शुष्क मौसम की संभावना है, बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं भारत के तमाम राज्यों पर, एक तरफ जहाँ मानसून का आगमन हो रहा है, दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान तबाही मचा रहा है, तो तीसरी तरफ गर्मी का टॉर्चर भी भारत के कई राज्यों पर बना हुआ है। ऐसे में हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी मेल रोल अदा हो सकता है इसमें। और अब बंगाल की खाड़ी भी धीरे धीरे सक्रिय होगी, मॉनसून का अच्छा प्रोग्रेस ये बढ़ाएगी, साथ साथ मॉनसून को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।